हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार। आवाज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल, और जो हम लोग का क्लासेस चलेगा वो सीपीओ का, मतलब टारगेट सीपीओ का करके चलना है। स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है, सीपीओ का एग्ज़ाम है, तो इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। और सीपीओ एसएससी का ही होता है, जो सिलेबस सीपीओ का है वही, मतलब जो एसएससी का है वही सीपीओ होता है ना। तो जैसे 25 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाता है आपका एसएससी में, किसी भी एग्जाम में एसएससी का ले लीजिए, तो इस इंग्लिश को पेपर जो भी इंग्लिश का होगा वो सब एक होगा। तो हम लोग अगर एक का जैसे सीपीओ को लेकर चलेंगे तो सारा का हो जाएगा, आपका सीजीएल का भी हो जाएगा। तो आज से हम वर्ड्स को देखेंगे, सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, तो सारा आपको एकदम सेशन से, एक एक सेशन में है ना कवर करते चलेंगे। आप जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आएगा। और सीपीओ इस बार 100% आपका क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा आपका एसएससी का, वो सारा में यही चीज, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी का आपको एक चीज देखेंगे कि प्रीवियस ईयर को ज्यादा टच करता है, तो हम प्रीवियस ईयर को ही कवर करेंगे, है ना। तो बस लग जाना है आज से और जुड़ जाना है। तो चलिए, आज हम सिनोनिम्स को लेकर आए हैं, वर्ड्स वोकैब को देखेंगे, और ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आगे बने रहिएगा हमेशा, है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आओ देखिए, पहला वर्ड है आज का मेरे भाई, ये सिनोनिम्स है। हमने पहले ही कहा कि सिनोनिम्स का मतलब होता है जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको आप अगर याद करना चाहें तो बहुत प्रेम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो एक रिवीजन का, है ना, प्रैक्टिस का। और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ही आए हैं। जो भी सीपीओ का तैयारी करते हैं या कोई भी सीजीएल का एग्जाम का तैयारी करते हैं, एसएससी का कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हुए होते हैं, बस जरूरत है रिवीजन का। तो हम एक प्लेटफॉर्म अपना क्रिएट किए हैं रिवीजन करवाने के लिए, कि आपको बेहतर रिवीजन करवा पाए, है ना। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा, आप देखिएगा, आंसर खुद से दीजिएगा। ऐसा आपको लगना चाहिए कि सामने जो बैठे हुए, जैसे हम बैठे हुए, हम सुन रहे हैं आपके बात को, आपको बोलना है ना, खुद से बोलना है। आप खुद से ये बात समझिएगा कि हाँ, हमने जो आंसर दिया वो मेरा सही था कि गलत था, है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, आज का ये जो वर्ड मेरा फर्स्ट है मेरे भाई, और सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप जब प्रीवियस ईयर का सेट बनाएगा तो जरूर मिलेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं सही हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला वर्ड रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब क्या होता है? तो रिप्रीमेंड का मतलब हमने जाना है कि इसका मतलब होता है बाबू डांटना। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डांटना, या इसी को आप बोल देते हो फटकारना। आप डांटना बोलो या फटकारना बोलो, है ना। तो डांटना, फटकारना, ये क्या होता है? तो इसका हमें सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि सिमिलर मीनिंग कौन होगा। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है मेरे भाई, रिब्यूक। रिब्यूक का भी मतलब आपको पता होगा, डांटना होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स जो होगा वो रिब्यूक ही होगा। देख लीजिए, अगला वर्ड है आपका रिवार्ड। हर एक वर्ड को समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। देखो, रिवार्ड का मतलब क्या होता है? रिवार्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो इनाम देते हैं, है ना। कोई भी आप काम करते हो तो उसके बदले जो हमें इनाम दिया जाता है उसको बोलते हैं हम रिवार्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे, रिवार्ड जो होता है वो करेज के लिए दिया जाता है। एक आपने अवार्ड का नाम सुना होगा, जैसे कोई भी इंटरटेनमेंट जो मूवीज वगैरह में दिया जाता है, वहां पे अवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड नहीं दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी डूब रहा है, अगर उसको आप बचा लीजिएगा, तो वहां पे आपको साहस के लिए दिया जा रहा है, तो रिवार्ड दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको अवार्ड दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगला क्या वर्ड है? प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है बाबू? प्रशंसा, है ना। जब किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसे प्रेज बोलते हैं। पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? दंड, है ना। तो दंडित करना, ये पनिशमेंट कहलाता है। तो चलिए, चार वर्ड हमने सीखा। एक बात और सीख लीजिए कि रिप्रीमेंट से कुछ और भी ऐसे वर्ड्स बनते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक और डांटना का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत पूछा हुआ है, एडमोनिस। क्या है मेरे भाई? ये सारे वर्ड को याद करते चलेंगे। एडमोनिस का भी मतलब क्या होता है? डांटना। एक और अगर डांटने के लिए यूज किया जाए तो एक वर्ड होता है चाइड, है कि ना। एक और वर्ड बोला जाता है मेरे भाई, अस्कोल्ड, ठीक है जी।
तो ये सारे का मतलब होता है डांटना। आपने एक वर्ड का कई मीनिंग यहाँ पे वर्ड देखा, सिमिलर मीनिंग है ना, तो सारे को इसी तरह से रिवीजन करते चलना है लगातार, बार बार ये चीज़ को हम जब रिवीजन करवाएंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का वर्ड है आपका सेकेंड, देखो मेरे भाई गैरुलस। अब जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे है ना, थोड़ा सा इस तरह से करना है कि सामने हम सुन रहे हैं आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप सही जवाब कर रहे हैं, बोलिए गैरलस। तो गैरलस का मतलब क्या होगा मेरे भाई, बोलो। अरे बोलो तो सही, गैरलस का मतलब होता है, सही बोले आप, कि इसका मतलब होता है मेरे भाई बातूनी। क्या बोलते हैं बातूनी, बातूनी का मतलब समझते हैं, जो बहुत ज्यादा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हिंदी में बोलेंगे वाचाल, जो ज्यादा बोलता है ना। जैसे देखिएगा लड़कियों का आदत होता है ना, स्टार्ट हो जाना है तो फिर ना स्टॉप चलेगा है ना, बोलते रहना है, वो क्या होता है बातूनी टाइप का होता है, मतलब जो ज्यादा बोलते रहता है वाचाल है। तो बात को यहाँ पे समझिए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो गैरलस, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो वर्ड है आपके एग्जाम में एक मिस स्पेल्ट पूछा जाता है मेरे भाई, हाँ कि ना, तो मिस स्पेल्ट में कहीं से अलग से वर्ड नहीं आते हैं, यही ऐसा जो वर्ड आपको लगेगा, यही ये बात और याद रखिए, गैरलस एक ऐसा वर्ड है कई बार मिस स्पेल्ट में भी पूछा हुआ है। तो ये सारे का स्पेलिंग भी आप देखते चलेंगे, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। तो अब बात समझो कि क्वारलसम का मतलब क्या होता है, तो क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, और यहाँ पे क्वारलसम का मतलब बोलेंगे जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो इसका मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है ना। यहाँ वर्ड आया हुआ है टॉकेटिव, देखो टॉकेटिव का भी मतलब होता है जो ज्यादा बोलता है, जिसे बातूनी कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मेरा, जो आंसर होगा टॉकेटिव होगा, है ना। फुलिस का मतलब सबको पता है कि मूर्ख होता है, डोमिनियरिंग का मतलब होता है घमंडी, बोल लो, या आप तानाशाही बोल सकते हो, ठीक है ना भाई, इसको हम घमंडी बोल सकते हैं या तानाशाही बोल सकते हैं। अब इसी गैरलस के लिए एक वर्ड आपको कई बार पूछा हुआ एग्जाम में है, और देखना है लड़ेगा सारा क्वेश्चन, देखिएगा जब कुछ कर लीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत फायदा हो रहा है हमको। तो गैरलस के लिए एक और वर्ड आता है, बहुत बार पूछा हुआ है, लोक्वेसियस, स्पेलिंग भी देखते चलेंगे। लोक्वेसियस का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है बातूनी, जो ज्यादा बोलता है। इसी को आप और बोल सकते हो, एक वर्ड आता है आउट स्पोकन, क्या बोलते हैं मेरे भाई, आउट स्पोकन, जो ज्यादा बोलता है, ठीक है। एक अगर इसका एंटोनिम्स हम जान ले तो ये भी कई बार पूछा हुआ है, रेटिसेंट, क्या बोलता है रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड, जो आदतन कम बोलता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा हुआ है रेटिसेंट, है ना। तो सारे वर्ड वही हम ध्यान देंगे जो पूछा जाता है, ठीक है, कम मेहनत में ज्यादा हमें मार्क्स लाना है। तो देखिए लोक्वेसियस का मतलब बातूनी हुआ, स्पोकन का भी मतलब बातूनी हुआ, और इसका कम जो बोलता है उसको क्या बोलोगे आप, रेटिसेंट बोलेंगे, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो बता दो, इनविंसिबल, एक वर्ड आया इनविंसिबल, चलो चलो जी, चलो जल्दी बोलो, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है। चलो बहुत अच्छे, हम इसका आपको हिंदी मीनिंग बता देते हैं, इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, क्या होता है अजय का मतलब होता है जिसे जीता न जा सके, डेट मीन्स जिसे पराजित नहीं किया जा सके, वो अजय है आपका, है ना, हराना, जिसे मुश्किलों नहीं हरा जा सके। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा, तो सिनोनिम्स पहले तो समझिए कि यहाँ पे एक वर्ड आया है इनवायुएबल, ठीक है। इनवायुएबल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पवित्र, क्या बोलते हैं मेरे भाई, पवित्र, ठीक है। हम होली बोलते हैं, सिगरेट बोलते हैं, इसी में एक वर्ड आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, पायस, क्या बोलते हैं, पायस का भी मतलब क्या होता है, पवित्र होता है ना, होली बोलते हैं, सिगरेट बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड इसी के उल्टा आ जाता है, वो आपका आ जाता है मेरे भाई इम्पायस, क्या आता है जी, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ वर्ड है। इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र, क्या बोलते हैं, अपवित्र, है ना। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब नोट डाउन करते चलिएगा।
चलो अब अगला है अनमैनेजेबल, जो मैनेज नहीं किया जा सके, ये जो भी एबल से इंड करता है उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। ये सारे IBLE से इंड हो या आपका एबल से इंड हो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है, सारे एडजेक्टिव हैं। तो जिसे मैनेज नहीं किया जा सके वो क्या है, अनमैनेजेबल है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है अनबीटेबल, बीट का मतलब होता है हराना, तो जिसे हराया ना जा सके वो अनबीटेबल है। मतलब समझ में आया कि इनविंसिबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या बात है, अनबीटेबल, बोलो ना। हाँ चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही आंसर देते रहना है। और एक बात और है, इमेजरेबल का मतलब जिसे मेजर नहीं किया जा सके, जिसे मापा ना जा सके, इमेजरेबल है। क्लियर है क्या? अब एक बात सीखो, इसी वर्ड के लिए एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बोला जाता है कॉन, ध्यान दीजिएगा, क्वेरेबल। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्क्वेरेबल, मतलब जिसे हराया जा सके। तो इसी में हम बोल देंगे अनकॉन्क्वेरेबल, क्या कहेंगे हम, अनकॉन्क्वेरेबल का मतलब है जिसे हराया ना जा सके, तो ये सिनोनिम्स हो गया। इसी में एक वर्ड और आ जाता है बाबू, सरमाउंट, ध्यान दीजिएगा जी, सरमाउंट। अब इसी में हम लगा दिए एबल तो बना दिया एडजेक्टिव सरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल का भी मतलब होता है जिस पर विजय पाया जा सके, जिसे पराजित किया जा सके। क्लियर है क्या? तो अब हमें इसका सिनोनिम्स बनाना है, तो हमें कहना होगा इनसरमाउंटेबल, जिसे नहीं हराया जा सके, है ना। तो अनकॉन्क्वेरेबल और इनसरमाउंटेबल आपका सिनोनिम्स हो गया। इसी को एक और वर्ड बोल सकते हो आप मेरे बाबू, डिफिटेबल। क्या बोल दिया, डिफिटेबल का भी मतलब क्या होता है, जिसे हराया जा सके। अब हमें सिनोनिम्स बनाना है तो आप बोल दोगे अनडिफिटेबल, जिसे नहीं हराया जा सके। क्लियर है? तो एक वर्ड से हम लोग कई वर्ड देखे, और ये सारे के सारे वर्ड क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और चीजों को याद भी बेहतर तरह से आप कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको वर्ड को याद करना है, वर्ड पावर समझो कि ये इंग्लिश का बैकबोन है ना, रीढ़ है ये, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। कितना इंपॉर्टेंस है, आप जब बनाओगे पैसेज पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास वर्ड्स पावर नहीं है, वोकैब नहीं है मजबूत। तो ये चीज है, हर एक वर्ड को हम बेहतर तरह से समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। चलो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका चलिए अगला देखिए वर्ड है पार्सिमोनियस। चलो जी बताइए, पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, जल्दी से, चारों ऑप्शन में कौन सही है। चलिए बहुत अच्छा, देख लेते हैं एक बार, पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं किफायती, क्या बोलेंगे, किफायती या इसी को बोला जा सकता है। देखो कभी कभी पार्सिमोनियस का मतलब हम कंजूस भी बोलते हैं, है ना। तो कंजूस का मतलब यहाँ पे क्या है कि किफायती का मतलब क्या होता है, कि जो सोच समझ कर पैसों को खर्च करता है, मतलब कोई भी चीज़ में खर्च तो करता है लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत होता है ज़्यादा वहीं पे, है ना, तो उसे किफायती बोलते हैं। कहा जाता है कि स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, है ना, आपको किफायती होना चाहिए, पैसों को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा, तो यहाँ पे वर्ड आया है थ्रिफ्टी, देख लीजिए। तो थ्रिफ्टी का भी मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं किफायती, ठीक है। चलो तो सिनोनिम्स आपका हो गया, यहाँ पे आंसर कौन होगा, थ्रिप्टी होगा ए नंबर। कनिंग का मतलब जानते हैं, कनिंग का मतलब चतुर होता है ना, हम तेज कहते हैं, कनिंग है, चतुर है, धूर्त है। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है खर्चीला, खर्चीला, ठीक है, जो ज्यादा पैसों को खर्च करता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, खर्चीला है। अपराइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। अब एक बात समझिए,
पार्सिमोनियस के लिए एक और वर्ड आप लिख सकते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, इकोनॉमिकल। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल बोलते हैं। इकोनॉमिकल का भी मतलब होता है किफायती, जो चीजों को सोच समझ कर खर्च करता है। जैसे कहा जाता है कि स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, किफायती होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट शुड बी इकोनॉमिकल। अब स्टूडेंट को वहीं पे पैसे खर्च करना चाहिए जहां पे ज्यादा हमें जरूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, इकोनॉमिकल। एक और वर्ड इसी में आता है आपका फ्रूगल, ये भी कई बार पूछा हुआ है। फ्रूगल, फ्रूगल का भी मतलब होता है किफायती। चलो जी, सही है। चलिए अगला देखिएगा, अगला वर्ड क्या आ गया मेरे भाई, एक्सप्लिसिट। क्या है एक्सप्लिसिट, जल्दी से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपको हिंदी मीनिंग इसका बताते हैं कि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या बोलते हैं? स्पष्ट, जो एकदम क्लियर हो, साफ हो, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा, तो पहले तो बात जान लीजिए कि इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत होता है, शीघ्र होता है। और एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, तो ये होगा नहीं। रिवील द सीक्रेट का मतलब क्या होता है, देखो रिवील का मतलब क्या होता है, कोई रहस्य को, कोई सीक्रेट है उसको क्या करना, उजागर कर देना। तो रिवील का मतलब होता है उजागर करना, प्रकट करना। तो किसको, सीक्रेट को, कोई भी रहस्य उसको उजागर करना। तो इसका यहाँ पे मतलब नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका प्लेनली स्टेटेड, एकदम स्पष्ट रूप से जो बात कहा गया एकदम प्लेन है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सप्लिसिट। इसी के लिए सिनोनिम्स एक और आप बोल सकते हो, ऑबियस। क्या बोलोगे? ऑबियस। या आप एक और वर्ड याद कर सकते हैं, इविडेंट। क्या बोला जाएगा? इविडेंट, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है मेरे भाई, फिर से लिख देते हैं, EVI, ठीक है, DENT, इविडेंट भी होता है। चलो, तो ये आपका वर्ड था एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब हुआ स्पष्ट। आप ऑब्वियस बोल सकते हो, इविडेंट बोल सकते हो, प्लेनली क्या है, प्लेनली स्टेटेड, ठीक है। अगला वर्ड आ गया आपका, अगला वर्ड है देख लीजिए, लैकोनिक। अब यहां पे बात को समझिए, लैकोनिक का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो बहुत अच्छा, तो लैकोनिक के लिए हम पहले तो हिंदी मीनिंग जान लेते हैं कि लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त, ठीक है। अब संक्षिप्त का सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, तो जल्दी से देख लिया जाए। आपने अभी अभी पढ़ा था लोक्वेसियस, याद है कि नहीं याद है जी? हाँ, तो लोक्वेसियस को हमने क्या कहा था, टॉकेटिव कहे थे, गैरलस कहे थे, जो बातूनी होता है ना। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, कॉन्साइज का भी मतलब होता है संक्षेप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कॉन्साइज। चीयर का मतलब क्या होता है, अति आनंद, मतलब जो बहुत ज्यादा खुशी हम लोग व्यक्त करते हैं उसे बोलते हैं चीयर। जैसे देखना कोई शराब वराब पीता है तो देखना क्या करेगा, कि वो ग्लास से ग्लास टकराता है ना, तो बोल देगा चेस। वो चेस नहीं होता मेरे भाई, एक्चुअली में क्या होता है, चीयर करता है, खुशी को प्रकट करता है ना। तो वर्बस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं वाचाल या आडंबर बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको बोलते हैं वाचाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्बस, ठीक है। चलो, तो एक चीज और इसके लिए जान लीजिए, इसको आप एक और सिनोनिम्स बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे, ब्रीफ बोल सकते हो, है ना। ब्रीफ का भी मतलब क्या होता है, संक्षेप में होता है, लैकोनिक होता है, क्लियर। चलिए जी, अगला अगला है कैप्रिसियस। क्या बोलते हैं? कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है, तो हिंदी मीनिंग इसका आप जानिए कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं मनमौजी। क्या बोलेंगे? मनमौजी, जो मतलब कोई भी चीज को, है ना, मनमौजी करता है, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं जो स्थिर ना हो, अस्थिर है। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या आएगा, विम्सिकल आएगा, तो आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। अनमूवेबल का मतलब क्या हुआ, जो मूव नहीं करता है, ठीक है, ये स्थिर है, ठीक है, अस्थिर नहीं बोल रहे हैं, स्थिर है, रुका हुआ है। डिसिसिव का मतलब क्या होता है, तो डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। तो अस्टेबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्थिर हुआ, ठीक है जी। चलिए, तो अगला
वर्ड, इसी को एक और सिनोनिम्स में कई बार पूछा हुआ है बाबू, कैप्रिसस का फीकल क्या होता है? फीकल, फीकल का भी मतलब होता है बदलने वाला, चेंजेबल भी बोल सकते हैं इसको। एक और वर्ड मैंने क्या लिख दिया, हमने कह दिया चेंजेबल, तो चेंजेबल भी हो सकता है। चलो अगला एक वर्ड आया एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी मीनिंग जान लीजिए कि एवरेज का मतलब होता है लोभी। क्या बोलते हैं? लोभी बोल सकते हो, या आप इसी को एक और नाम से जान सकते हैं, लालची। क्या बोलते हैं? लालची। चलो जल्दी से बता दो इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बोलिए। तो देखो जेनरसिटी का मतलब क्या होता है? तो जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, तो ये होगा नहीं। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष, जेलस हम बोलते हैं ना, तो ईर्ष्या है, तो ये होगा नहीं। स्कार्स का मतलब क्या होता है? कमी या घाटा, ये होगा नहीं, इसी से बना स्कार्सिटी, ठीक है। ग्रीडीनेस, ग्रीडी का मतलब सबको पता होगा, ग्रीडी का मतलब सबको पता होगा कि लालची होता है, लोभी होता है, तो इसी से बना ग्रीडीनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो आया हुआ है बाबू फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है जी? हाँ सनी देओल याद होगा, हम इसको बोलते हैं घातक। क्या बोलते हैं? घातक, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखिए टेरिबल का मतलब होता है भयावह, कोई चीज एकदम डरावना होता है उसको बोलते हैं भयावह, है ना, टेरिबल। डेडली का मतलब होता है घातक, तो आपका आंसर जो होगा वो आपका कौन होगा? डेडली होगा, ठीक है। चलो पॉइजनस का मतलब सबको पता है जहरीला होता है, और रॉन्ग का मतलब गलत है, ठीक है, इसी के लिए आप डेंजरस भी बोल सकते हैं डेडली को, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है, अगला वर्ड है आपका जेन्युइन। क्या है? जेन्युइन। अब देखिएगा यहाँ पे जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते ना कि एकदम लड़का ना जेन्युइन है, ठीक है, एकदम सच्चा बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं, तो जेन्युइन का मतलब क्या हुआ? वास्तविक, या इसी को शुद्ध बोल सकते हैं, हम सच्चा बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलो तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा भाई, जल्दी से बता दो क्या होगा? तो जेन्युइन का आपका हो जाएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का भी मतलब क्या होता है? एकदम सही है, बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक है, वास्तविक है, सच्चा है, विशुद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑथेंटिक। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं वैध, ठीक है, लीगल है, वैध है, ठीक है मेरे भाई। आगे रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिसपे विश्वास किया जा सके, और फेथ का मतलब भी क्या होता है? भरोसा, ठीक है। तो चलो और भी देखो जेन्युइन के लिए एक और सिनोनिम्स बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हो ओरिजिनल। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल भी हो सकता है। और क्या बोल सकते हैं इसी के लिए? एक और बोल सकते हैं हम रियल, ये भी है। अब इसका एक अपोजिट याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, अस्प्यूरियस। तो अस्प्यूरियस का भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है आपका नकली। क्या बोलते हैं इसको? नकली कह लो या जाली कह लो, बात सेम ही है। अस्प्यूरियस का एक और मतलब हो सकता है, हम बोलते हैं काउंटरफिट। क्या बोलते हैं भाई? काउंटरफिट कई बार पूछा हुआ वर्ड है। काउंटरफिट का भी मतलब क्या होता है? नकली या जाली। एक और वर्ड अगर बोलो तो इसको बोल सकते हो तुम बोगस। क्या बोलोगे? बोगस। एक और इसी में हम सिनोनिम्स बोल सकते हो फॉल्स। क्या बोलेंगे? फॉल्स। ये सारा क्या है? तो ऑथेंटिक का उल्टा है, अपोजिट मीनिंग है। तो देखिए हम एक वर्ड के लिए कितने वर्ड सीख गए हैं ना, तो एक वर्ड से चार पांच वर्ड जब सीखिएगा तो ये ज्यादा, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। और सारा वर्ड ऐसा एक भी नहीं जो लिखा हुआ जो फालतू है, जिसका यूज नहीं होता है। आप सारे एग्जाम में देखिएगा तो स्पीरियस, काउंटरफिट, बोगस, ये हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से अपना सेशन स्टार्ट रखेंगे, और सिर्फ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस जम के करिए, एरर भी आएगा, है ना, और क्लास वाइज जैसे भी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं वैसे भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो मजा आएगा। आप जो भी अगर बात होता है कि कुछ और एक्स्ट्रा हमारे लिए किया जाए, तो आप मेरे भाई कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ और ये चीज आपको लाना चाहिए, ठीक है ना।
तो आप जैसे बोलोगे वो चीज़ हम करेंगे, आपको बताना होगा, आपको हिंट देना होगा, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके।